गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम है, अभी सुबह का बज रहे हैं 8:45, अभी 9 बजने वाले हैं। और रात को मैं 2 पोनीटेल बना के सोई थी और फर्श पे सोई थी, इतना भयानक वाला गर्मी, बेड पे सो ही नहीं पा रही, बॉडी नहीं रख पा रही। फिर फर्श पे सोई थी, टाइल्स के ऊपर ऐसे जमीन में। उसके बाद फिर सुमित ने बोला नहीं, जमीन में सो, बदन दर्द होगा सुबह, मेरा बॉडी पेन होता है। उसके बाद फिर ये इसको मैट को बिछाया, मैट को बिछा के फिर रात भर तड़पते रही। मतलब क्या बोलूँ, कल रात को बहुत दिक्कत हुआ सोने में, इतना गर्मी। आज तो वेदर में दिखा रहे हैं 43 डिग्री जाने वाले हैं गर्मी। अभी 9 नहीं बजा, 9 बजने वाला है, इतना बाहर गर्मी है ना, उसका लू आ रहा है रूम के अंदर। ये जो फैन चल रहा है, ऐसा लग रहा है गर्म भाप छोड़ रहा है ऐसा ऐसा। सो मुझे नहीं पता सुबह का भी इस टाइम पे इतना गर्मी है, पूरा दिन भर मैं कैसे बिताऊंगी। इट्स टू मच हॉट है, इट्स टू मच। देखो अब मेरे घर से ना पूरा कॉलोनी का व्यू आता है। एक्चुअली मेरे घर से रोड है, सामने रोड है, तो बाहर देखकर ऐसा लग रहा है ना, एक अंदर से वो डर जैसे होता है ना, वो वाला काम कर रहा है मेरा अंदर में। मैं सुमित को ही बोल रही थी, आप कैसे जाओगे काम पे। सो अभी उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, जस्ट टूथब्रश करके मैं बैठी हूँ। अभी जाऊँगी किचन में चाय बनाने के लिए, सुमित गए हैं फ्रेश होने के लिए, और देखते हैं आज का दिन कैसे बिताते हैं। 43 डिग्री पे जाने वाले हैं, कोलकाता वाला इधर वेदर आने वाला है बहुत। मैं पापा को, मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन करके बोलती, आपके उधर इतना टेम्परेचर है, हम लोग की इधर इतना ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है। लो अभी आ गए इधर भी गर्मी। सो वो लोग अभी बोल रहे थे, अभी खुश दिन तो खुश खुश हो रहा था कि कोलकाता में इतना है, आसाम में इतना ठंड गर्मी नहीं है, आ गया ना। बोला हाँ बहुत गर्मी। और बीच बीच में ये जो फाइटर प्लेन जाता है ना, दिमाग पूरा पकड़ लेता है, इतना मौसम। कल शाम को ना हम लोग गए थे बाजार करने, उतना कुछ तो लेके नहीं आए हैं, सिर्फ लेने गए थे प्याज आलू, और साथ में लेके आए हैं कुछ और इधर उधर का सामान लेके आए हैं। कल मैंगो मिला, मैंगो लेके आए थे ना, पूरा खराब है, पूरा खा ही नहीं पाई, अभी तो रखा हुआ है, मीठा नहीं है, एकदम बेकार है। चाय सबो, ये प्लेन है ना बहुत दिमाग खा लेता है। सुबह सुबह उठते ही सुमित ने मुझे एक बैड न्यूज दे दिया, पता है गाइस, मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया। फेसबुक हैक हो गया है, फेसबुक पेज हैक कर लिया है, और इसमें मेरा इतना सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, 28 फॉलोअर्स है मेरा उसमें, 28 या 27 ऐसा फॉलोअर्स है, तो उसको हैक कर लिया गया है। सुमित कल रात भर सो नहीं पाया, मुझे अभी बताया उन्होंने। सो क्या बोलूँ, अभी मेरा मूड, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं ये सोच रही हूँ रिएक्ट कैसे करूँ। मन खराब करूँ या खुश रहूँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ पा रही। पता नहीं कैसे इसको ओपन करेगा, फिर मिलेगा या नहीं। वैसे गर्मी है, गर्मी की वजह से कल सो नहीं पाई। हाँ फिर सुबह थोड़ा सा नींद आया, फिर अलार्म बजने लग गया, टिंग डिंग डिंग डिंग, तो देखा सुबह आ गया बाहर, गर्मी गर्मी लग रहा था,
अभी सुमित उठा वॉशरूम से निकल के बोला, एक बैड न्यूज है। क्या बोला? आपका फेसबुक पेज हैक हो गया है। अभी वो ईमेल वगैरह करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल देगा तो अच्छी बात है। टेंशन हो रहा है, मैं सोच रही हूँ क्या रिएक्ट करूँ इसमें बात पे। बुरा फटा रोना रहा है, मेरा ये स्माइल ना बहुत खतरनाक है, धूप में भी हंसने लग जाती हूँ। ইমেল বগেরা করো, দেখো ঠিক হয়ে যাবে, টেনশন করো না। গাইস প্লিজ কমেন্ট করকে বতানা, ঘুঙরালে বাল মেরে ফেস পে আচ্ছা লাগতা হ্যায় কি নেই। বহুত ধূপ আ রহা হ্যায় ইয়ার, লাইট জ্যাদা লাগ রহা হ্যায়। হ্যাঁ सो अभी गाइस बताना, घुंघराले बाल मेरे फेस पे अच्छा लगता है कि नहीं। सो कल मैं थ्रेड बना के रखी थी, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग बिनुनी बोलते हैं, तो वो करके रखी थी ना, तो बाल पूरा देखिए एकदम घुंघराले कर्ली हेयर हो गया है। सो अगर फिक्सिंग स्प्रे लगा दूंगी ना तो ये बहुत देर तक रहेगा। वैसे मैं वो दो चोटी बना के सोई थी, क्योंकि सोने में आसान रहता है, गर्मी में ना खुले बाल सो नहीं पाती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं ना कितना पसीना से नहा चुकी हूँ, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। सुमित गए हैं ऑफिस, बहुत टाइम हो गया है। अभी टाइम कितना बज रहे हैं, अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। सो राइस मेरा बन गया है, दाल में सिर्फ छौंक लगाना बाकी है, और भिंडी आलू का सब्जी बन रहा है आज, और बस यही बन रहा है अभी तक के लिए। तो मैंने सोचा आप सबसे थोड़ा बात कर लेती हूँ, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे फेस पे ये घुंघराले बाल अच्छा लगता है या स्ट्रेट बाल अच्छा लगता है। वैसे मेरे नेचुरल हेयर स्ट्रेट है, घुंघराले है नहीं, तो बताना ठीक है। सो अभी, और हाँ गाइज, अभी तक फेसबुक का पेज मुझे अभी तक मिला नहीं। क्या कैसे हो गया ये पता नहीं, किसी ना लैपटॉप से ना फोन से किसी डिवाइस से मैं उसको ओपन ही नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से मैं ओपन करने गई तो दूसरा पेज क्रिएट हो गया, तो सुमित ने बोला आप छोड़ दो मैं ट्राई करता हूँ, तो ऑफिस चले गए। उधर ही बैठे बैठे ओटीपी भेज रहे हैं, मुझे उसको रिटर्न करना पड़ रहा है ऐसा। और देखिए पसीना कैसे गिर रहा है, और आज कितना डिग्री है पता है, 42 डिग्री है वेदर, बहुत गर्मी है। तो बताना, हाँ तो चलिए मैं दिखाती हूँ किचन में कितना प्रोसेस खाने बनाने का है। फैन चल रहा है, इधर बन रहा है मेरा भिंडी आलू का सब्जी, और इधर मैंने आम देकर खट्टा डाल उबाल के रखा है, सिर्फ छौंक लगाना बाकी है। और इस तरफ मेरा राइस हो चुका है एकदम, जा इसमें बनाती हूँ, और बस यही है। और ये जो कचरा है जो फेंकना है बाकी। और बाहर धूप देखिए गाइस, टू मच वाला, ऐसा लग रहा है बेहोशी हो जाएंगे सब। देखिए बहुत धूप है, बहुत धूप, मतलब बाहर देख नहीं पा रही इतना धूप है। और मुझे ना 2 दिन से थोड़ा हेडेक का इशू चल रहा है, तो आज लेकर 3 दिन हो रहा है बहुत हेडेक हो रहा है। अगर बाहर इस तरह से देख रही हूँ ना तो सर दर्द होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब रोशनी की तरफ देख ही नहीं पा रही हूँ। ये क्यों हो रहा पता है मुझे, गर्मी पड़ रहा है ऊपर से, और मैं बहुत एडिटिंग में ध्यान दे रही हूँ ना, इसीलिए मेरा डेली अपलोड होता है वीडियो यूट्यूब पर, फिर फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम, मतलब तीनों आईडी ना मैं खुद हैंडल करती हूँ, कोई मेरा हेल्प नहीं करता है ना।
सुमित करता है ना कोई और थर्ड पर्सन मेरा हेल्प करता है, मैं खुद अपने तीनों आईडी को संभालती हूँ। और वीडियो एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, कौन सा टाइम में कौन सा वीडियो अपलोड, मतलब बहुत कुछ मगजबाड़ी वाला काम है ना, मैं खुद संभालती हूँ। मैं सुमित को बोलती हूँ आप एटलीस्ट मेरा फेसबुक पेज का आईडी आप हैंडल करो, ताकि मैं थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो और क्रिएटिविटी करने का कुछ मौका मिले। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि किचन से फुर्सत नहीं मिलता है, जो वक्त बचता है उसमें थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, बस यही है। और गर्मी तो बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कब तक मेरा फेसबुक पेज लौट के आता है। मैं बहुत सैड हूँ, मतलब सुबह उठी थी एक अलग जोश के साथ और फिर सुमित मुझे बैड न्यूज दिया। हमेशा सुमित बैड न्यूज देते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है। आज तक कभी उसने मुझे गुड न्यूज नहीं दिया कि बाबू ऐसा हुआ है, बाबू ऐसा हुआ है, हमेशा बैड न्यूज ही देता है। मुझे ना घबराहट होता है बैड न्यूज कुछ भी सुन, अगर कुछ बोल देना कि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, कुछ जरूरी बात करना है, ये वर्ड सुनते ही मेरे अंदर से कैसा बेचैनी होने लगता है, पसीना आना लगता है, फिर घबराहट होने लगता है। ऐसा है मेरे साथ, आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं बताना। हाँ मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा। मैं इसको बोलती हूँ कि आप मुझे बैड न्यूज मत दिया करो, लेकिन ये ऐसा चीज है मुझे बाद में पता चलता, मैं उसी के ऊपर चिल्लाती कि आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम पे लाइव आती हूँ ब्लॉग में 11:30-12 बजे के करीब, ब्लॉग में नहीं फेसबुक पेज में लाइव आती हूँ, पता चल ही जाता है। सो चलिए मिलते हैं, खाना वाना बना लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा धूप में। धूप क्यों बोला पता है, घर के अंदर भी रह के वही शाम सेम मतलब वेदर है और बाहर भी सेम है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए और सुमित आए हैं 3 बजे, 3:30 या 4:15 करीब सुमित आए हैं। तब से मैं फेसबुक खोलने का कोशिश कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, आधा पॉसिबिलिटी और हुआ है आधा नहीं, कैसे क्या हो गया पता नहीं, कल रात को ऐसा हुआ है। सुमित चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा चाय पीकर सुमित का थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा ये हो जाए, होता है ना किसी किसी का चाय पीने के बाद काम आता है। आज दोपहर का लंच बोले तो एकदम अच्छे से कर ही नहीं पाई, वे टेंशन के मारे मैं तो रो पा रहा पूरा कि मुझे कैसे भी करके मेरा फेसबुक पेज ओपन करके दो। सुबीत ने बोला है करके देंगे, कैसे भी करके हो वो करके देंगे, तो उन पे भरोसा है मुझे, वो ओपन करके देंगे कैसे भी करके। ये आम नहीं, आम नहीं, ये भिंडी है, आम लेके आए थे, आम खा गया ये एकदम खट्टा है, खा ही नहीं पाए, रख दिया इसलिए। तो चलिए शाम का चाय बनकर रेडी है, आपसे मिल रही हूँ। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, सुमित जब से आए थे लंच करके कंटिन्यूसली वो फेसबुक पेज को ओपन करने का कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसको नहीं हो पाया। सो अभी वो ऑफिस चले गए, मैं शाम का घर का पोछा मतलब मॉप मारा, मॉप मार के नहा के आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं फिर से नहा चुकी हूँ ऐसा पसीने से। और बस मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग दी एंड करती हूँ। आई विश कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब भी शूट करूँ आप सबको गुड न्यूज़ दूँ कि मेरा फेसबुक पेज मुझे मिल गया है। सो आप लोग भी प्रे कीजिए मेरे लिए, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं आखिरकार क्या होता है। चलिए आज के ब्लॉग यहीं पर दी एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बाय बाय। मैं बहुत ही डाउन हूँ गाइस, मतलब नहीं समझा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ मैं हर चीज़ को।
ऐसे स्माइल दे रही हूँ लेकिन मन ही मन में थोड़ा सा दुखी है कि मेरा फेसबुक पेज मुझे मिल जाए। बस आप लोग भी प्रे करना, ठीक है? चलिए, बहुत गर्मी लग रहा है, आप मुझे देखकर समझ ही सकते हैं, पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ।